साथ मौजूद हूँ इस समय और बोकारो स्टील सिटी की सबसे बड़ी खबर आज यही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सेक्टर 1B में 222 क्वार्टर नंबर को अपने नाम कर लिया है। कहा है कि हमारे जो मंत्री हैं जगन्नाथ महतो, उन्होंने BSL को एक आवेदन दिया था, आवेदन के बाद BSL गंभीर नहीं है, इसलिए हम लोगों ने इस क्वार्टर को खुद से तोड़ा है और कब्जा कर लिया है और आज से यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यालय चलेगा। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ राम नारायण शर्मा भी मौजूद है। शर्मा जी, एक नई परंपरा की शुरुआत आज से हो गई है बोकारो में। जी बिल्कुल, इस न्यूज को देखने के बाद तो यही लगता है कि बोकारो में अब एक नई तरह की शुरुआत होने जा रही है कि अगर आपको आवेदन के अनुरूप कोई चीज नहीं मिलता है तो उसको आप जबरन हथियाने की कोशिश करेंगे और ये सरकार की तरफ से शुरुआत की गई है। तो ये माना जाए कि ये सरकार में रहने का फायदा है, अब इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं, लेकिन हमारे जो हेमंत जी हैं उनको ट्वीट का तुरंत जवाब देते हैं। अगर आप हो सकता है कि कहीं BSL को उनको ट्वीट ना करना पड़े इस मामले को लेकर। अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री थे, चंदन क्यारी के विधायक थे उस समय, उन्हें बोकारो में क्वार्टर आमंत्रण किया गया, सांसद को किया गया है, विधायक को किया गया है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों का कहना है कि हमें क्यों नहीं, हमारा भी मंत्री इस जिले में है। हाँ बिल्कुल, इन्होंने इसी को ग्राउंड बनाया हुआ है कि जब इस बोकारो का जो विधानसभा है इसके बाहर के लोगों को जब आप क्वार्टर आवंटित कर सकते हैं तो जब इसी जिले में हमारे मंत्री है तो हमें भी एक आवास मिलना चाहिए। और ये बार बार बता रहा है कि इससे लेकर हमारे मंत्री जी ने आवेदन भी दिया हुआ है लेकिन आवेदन की सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद कार्यकर्ता जो है JMM के आपे से बाहर हुए और जबरन उन्होंने ये कारस्थानी की है और एक आवास को अपने कब्जे में लेकर उसमें साफ सफाई तक कर दिया है और पार्टी के झंडे बैनर भी लगा दिए हैं। अच्छा, तो एक चीज हम जानना चाहेंगे, सरकार में कांग्रेस भी है, तो क्या माना जाए कि आने वाला समय में कांग्रेस भी इस तरह की हरकत कर सकती है? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी कुछ तो अभी चल ही रहा होगा और वह भी हो सकता है कि इस रास्ते में चल निकलेंगे क्योंकि इसी सरकार में वे शामिल है। इसके अलावा आपका राष्ट्रीय जनता दल भी इस सरकार में शामिल है तो हो सकता है कि उन्हें भी सरकार के में रहने का ये एक अनुभव होगा कि इसी तरह हम आवास ले सकते हैं या कार्यालय खोल सकते हैं, तो कांग्रेस और RJD भी हो सकता है इस रास्ते पर चल निकले। तो ये बोकारो के लिए कितनी अच्छी खबर है या दुखद खबर है? इसे तो मैं अच्छी खबर नहीं मानूंगा, इसको आप एक तरीके के तहत अगर जाते और उसके तहत आप आवास आवंटित करवाते तो अच्छी बात होती क्योंकि खुद मंत्री हैं, सरकार में हैं, आप झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, सबसे बड़ी पार्टी है अभी सरकार में, और उनके जो मंत्री हैं उन्होंने आवेदन दिया है तो किस कारण आवेदन रुका इसकी जांच, इसकी जानकारी उनको पार्टी कार्यकर्ताओं को लेनी चाहिए। उसके बाद आगे के प्रोसेस उनके यहाँ जिले में उपायुक्त हैं और बड़े अधिकारी हैं, उनसे बात करनी चाहिए, BSL के CEO से बात करनी चाहिए कि भाई कहाँ मामला रुक रहा है। उसको पूरी तरह एक जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के तहत अगर ये कार्य करते तो झारखंड मैं एक अच्छा मैसेज जाता कि हमारी जो सरकार है वो कानून का खुद पालन करते हुए काम कर रही है, कानून का पालन करते हुए काम कर रही है। लेकिन हम आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष का बयान जरूर सुनाना चाहेंगे, उसमें साफ तौर पर जिला अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, जरा आप सुने जिला अध्यक्ष की बात। और BSL अगर चाहती है तो हमें इसको आवंटन करे, अगर इस तरह का रवैया रहा BSL का कि हमें इस पर किसी तरह का कोई नहीं कार्रवाई करता है तो हम आपके माध्यम से हम उनको चेतावनी देना चाहते हैं और मांग भी करते हैं जिला प्रशासन से कि जितने भी बोकारो में अवैध क्वार्टर कब्जा किया गया है उसको अविलंब जो है उसको खाली कराए, अन्यथा जो और खाली बचा हुआ क्वार्टर है उस पर भी कब्जा होने के लिए भी तत्पर है। तो सुना आपने, जिला अध्यक्ष ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि BSL के द्वारा जितने भी खाली क्वार्टर हैं उन खाली क्वार्टरों पर कब्जा कर लिया जाएगा अगर हमारे इस क्वार्टर को मंत्री जी के नाम नहीं किया गया। इसमें साफ तौर पर चेता रहे हैं जिला अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि अगर जो नियम है नियम के तहत अगर मंत्री जी को क्वार्टर नहीं दिया जाता है तो जो BSL के अधिकारी, ये चर्चाएं आम है क्योंकि इसके पहले भी जब विधायक और BSL प्रबंधन में लड़ाई हुआ था तो BSL के खिलाफ विधायक ने
एक चार्ट जारी किया था जिसमें बताया था कि कई क्वार्टर खाली है, सैकड़ों क्वार्टर खाली है और यहाँ का जो नगर प्रशासन है, नगर प्रशासन विभाग जो है वो हर एक क्वार्टर को भाड़े पे मिली भगत से लगाता है। ये आरोप विधायक जी ने लगाया था, ठीक ऐसा ही आरोप आज जिला अध्यक्ष जेएमएम के लगाया, तो क्या माना जाए? ये ब्लैकमेलिंग का एक सहारा है, लोग डराते हैं, बीएसएनएल के इन अधिकारियों को बताते हैं कि आप गलत कर रहे हैं तो हम भी गलत करेंगे, और जिला अध्यक्ष होने के नाते उनका ये बयान कि हम कब्जा कर लेंगे तमाम खाली क्वार्टरों पे, ये कितना सही है? हिमांशु जी, ये सिर्फ जिला अध्यक्ष ही नहीं है, हीरालाल मांझी जो है हमारे जो ये जो जिला परिषद है उसके उपाध्यक्ष भी है, इस नाते भी उनको ये जो बयान है ये अच्छा नहीं लगता है, उनको सोच समझ कर बोलना चाहिए क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं। इसके अलावा मुझे लगता है इन्होंने जो बयान दिया है ये प्रेशर पॉलिटिक्स का ही एक हिस्सा माना जा सकता है ताकि बीएसएल का जो प्रबंधन है वह इस मामले में आगे कोई बड़ा स्टेप न ले और ये अपना कार्यालय को इसी तरह सुचारू रूप से चला सके, झारखंड मुक्ति मोर्चा इसी तरह से चला सके, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे मामले हुए हैं जैसे कि आपने पूर्व विधायक ये पूर्व भाजपा के जो अभी वर्तमान विधायक उनके क्वार्टर के बारे में भी ऐसी बातें हुई थी या उनसे जो मामला हुआ था उससे लेकर भी इसी तरह की बातें हुई थी और उस समय भी प्रेशर पॉलिटिक्स देखा गया था। तो मुझे लगता है कि इस बार एक बार फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा, चूंकि इनकी सरकार इस बार है, ये प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाम से जो डर और दहशत बना करता था वो फिर से बनाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है जिले में? कोशिश तो इसको नहीं कहेंगे क्योंकि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा में उस तरह के जो उग्र कैरेक्टर वाले नेता हैं वो है नहीं। गुरुजी के बाद ऐसे नेताओं की इस पार्टी में हमेशा कमी रही है क्योंकि गुरुजी ने जो आंदोलन किया उसको इस वे में उन्होंने नहीं किया है कभी, लेकिन अब चूंकि इन्होंने एक नई शुरुआत कर दी, जैसा कि आपने अभी बताया कि बोकारो में एक नई परिपाटी नई चलन की शुरुआत की है, तो ये अभी मैं एक बार फिर कहूँगा कि ये इस तरह का नहीं होना चाहिए था, तो नहीं होना चाहिए था। सुना आपने, ये राम नारायण शर्मा है जो हमारे साथ हैं इस परिचर्चा में, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि बोकारो के इतिहास पे इस तरह का काम कभी नहीं हुआ था और ऐसे काम होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस समय सरकार में है और सरकार में रहने के साथ साथ हीरालाल मांझी जिला अध्यक्ष के साथ साथ एक प्रतिष्ठित पद पे भी हैं जहां पर इस तरह का बयान देना उन्हें शोभा नहीं देता। लेकिन जहां तक हक की बात है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक सांसद और मंत्रियों को भी बीएसएल प्रबंधन के द्वारा यहाँ पर आवास आवंटित किया गया है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का तत्व भी अपने आप में एक मजबूत है।